नरसिंह यादव ने 19 जुलाई को एक लिखित शिकायत फेडरेशन को दी है। 19 जुलाई को एक लिखित शिकायत फेडरेशन को दी है जिसमें उन्होंने उनके साथ जो घटना घटित हुई है जिसमें साई के भी एक अधिकारी का उन्होंने नाम लिया है और कुछ अन्य लोग हैं जिनके ऊपर उन्होंने अस्पष्ट आरोप लगाए हैं। मेरा मानना है कि अगर नरसिंह यादव ने किसी भी शक्तिवर्धक दवा का प्रयोग किया होता तो वो स्पेन के टूर्नामेंट से लड़ने से बचने की कोशिश करते। ऐसा नरसिंह यादव ने नहीं किया और वहां पर भी वो मेडल लेकर के आए हैं। एक महीने के अंदर 3 बार डोप टेस्ट होना किसी खिलाड़ी का ये भी कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। साथ ही साथ नरसिंह यादव के साथ उसका रूम पार्टनर संदीप यादव तुलसी के शरीर में भी वही सब कुछ पाया गया है जो नरसिंह यादव के शरीर के अंदर पाया गया है। इस सारे प्रकरण को मैंने भारत सरकार को अवगत करा रखा है और अंतर्राष्ट्रीय संघ UWW और नाडा को भी हम सब लोगों ने सूचित करके रखा है तथा कुश्ती संघ UWW के साथ लगातार पत्र व्यवहार कर रहा है। एक सवाल मीडिया ये बार बार जानना चाहती है और मीडिया ही नहीं जानना चाहती, देश जानना चाहता है कि नरसिंह यादव के जगह पर कोई रिप्लेसमेंट किया जाएगा कि नहीं। खिलाड़ी के नाम बदलने की अंतिम तारीख 18 थी जो बीत चुकी है। फेडरेशन का मानना है कि नरसिंह के यादव के साथ नाइंसाफी हुई है और हमारी कोशिश है कि एक कमेटी जो इस पूरे प्रकरण का जांच कर रही है, मुझे उम्मीद है कि उस कमेटी का सामना करते हुए नरसिंह यादव को न्याय मिलेगा और मेरी कोशिश है कि नरसिंह यादव ही भारत का प्रतिनिधित्व 74 किलोग्राम वर्ग में करें ताकि देश का एक मेडल जिसको देश मान करके चल रहा है नुकसान ना हो।